एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है नेक्स्ट टाइप वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। तो देखिए ये टाइप क्या है, इसमें काम जैसे कोई व्यक्ति काम करता है वो छोड़कर भाग जाता है समय से पहले, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एकदम आसान मेथड से हम इसे बात करते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को करें तो समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता। मेरा मेथड वही है, लगाना उसी तरीके से हम बताए थे आपको, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हम आपको सॉल्व कराएंगे, देखते हैं कैसे। यहाँ पे कह रहा है ए आपका काम कर रहा है कितने दिन का, 12 दिन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए 12 दिन में काम कर रहा है, और बी आपका काम कर रहा है कितने, 15 दिन में, तो 15 दिन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमारा जो होगा, ऐसी संख्या लेना है जो इन दोनों से क्या करने भाग देने पर कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 12 × 5 = 60 होता है, और 15 × 4 = 60 होता है, ये 60 मेरा पता हो गया। अब कौन काम छोड़कर भाग रहा है उससे हम क्या करते हैं काम कर, पहले 1 दिन का काम हमें निकाल लेना, 1 दिन का कितना काम टोटल होता है, 5 × 4 = 9 यूनिट काम ये करेंगे पर डे, पर डे इन लोग का काम कितना होगा जब दोनों को मिला लेंगे 9 यूनिट। अब जो काम छोड़कर भाग रहा है उससे काम करवा लेते हैं, भाग का रहा, तो देखिए 2 यहां पर भागने का काम कर रहा है, कौन वाला भाग रहा है, ए वाला काम छोड़कर भाग रहा, तो ए वाले के सामने 2 से आप क्या करिए काम करवा लीजिए, 5 × 10 = 10 यूनिट बचा रहा है काम खत्म होने के लिए, तो इस 10 को हम इसमें लाकर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 10 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना टोटल 70। अब हम देखेंगे ए प्लस बी का टोटल काम निकाल लेते हैं कितने दिन में समाप्त कर सकते थे, तो 70 टोटल 1 दिन में कितने यूनिट, 9 यूनिट। अब 9 यूनिट को देखिए इसमें भाग देते हैं, कटेगा उतनी बार होगा, देखिए कैसे, तो यहाँ पर ऐसे आपको सही बटे में आंसर ला लेना है, तो 9 × 7 = 63, यहाँ पर क्या बचेगा 7, तो आप लिखेंगे 7 सही, ये वाला इसको ऊपर लिखना है इसके 7 और नीचे लिखना है 9, इतने दिन में कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर वही बात कर रहा है आपसे कि ए जो है 10 दिन में काम करता है उसी काम को, बी 30 दिन में करता है, और दोनों मिलकर कार को प्रारंभ करें तो 4 दिन पहले, कार समाप्त होने के 4 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है, तब उस कंडीशन में काम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, ए हमारा जो दिया है उसे लिख लीजिए 10 दिन, बी दिया है हमारा कितना उसको लिख लेंगे कितना 30 दिन, इन दोनों का जो हमारा काम निकालना है 10 और 30 का एलसीएम होगा 30, और यहाँ पर देखिए निकाल 10 × 30 = 30 और 30 × 30 = 30, 1 दिन का यूनिट निकाल लेते हैं दोनों का, तो 1 दिन का काम करने का यूनिट 3 × 4 हो जाएगा, और 3 × 1 = 4, 4 यूनिट पर डे ये काम करेंगे। अब कौन छोड़कर भाग रहा है, छोड़कर आपका भाग रहा है 4, तो 4 वाले को क्या कर दीजिए आप, 4 दिन पहले ए वाला छोड़ के भाग रहा है, ए कौन है ये है, इसको इसमें हम क्या कर लें गुणा कर लें, 4 × 3 = 12 हो गया। अब क्या करते हैं इस 12 को लाकर किसमें, इसमें ऐड कर देते हैं, तो 30 में 12 जोड़ दीजिए, अब 1 दिन में 4 × 4 यूनिट करते थे ये लोग, 4 से वही भाग कर दीजिए आप, तो ए प्लस बी का पूरा काम आ जाएगा आपका, ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे 12, ये जुटेगा कितना हो जाएगा 32, अब 32 में 4 से भाग करेंगे, 4 × 4 = 4, देखिए 30 और 12 जोड़ेंगे क्या आएगा 42, और नीचे क्या है 4 से भाग करना है, तो देखिए 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2,
ये हो जाएगा a प्लस बी 21/2। 21 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 2 पंजे का 10 होता है, 1 बचेगा सही, तो 10 सही 1/2 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही बटन निकालने के लिए आप जानते हैं 21 में हम 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2 कटेगा, यहाँ पर 1 उतरेगा 0 बाहर जाएगा, तो यहाँ पर यही ऊपर लिखते हैं ये वाला नीचे, इसी को सही बटा हम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेम है बिल्कुल वैसी मेथड का है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, फिर हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल वैसे ही करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं, बस देखिए ए कितने दिन का काम कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिन 12, बी कितने दिन में कर रहा है 18, तो यहाँ पर बी को आप बताइए 18 दिन। दोनों का एलसीएम कितना होगा, हम कितना ले लें, दोनों का एलसीएम 36 होगा, तो हम दोनों के एलसीएम हम ले लेते हैं 36, तो देखिए 12 के पहाड़े में 36 आता है, 24 बारते हैं 36 और 18 भी आता, 18 दुना 36, ये हो गया। एक दिन का यूनिट निकाल लीजिए दोनों का, जोड़ लेते हैं, एक दिन का यूनिट होगा 3 और 2 5, 5 यूनिट जो है आपका हो जाएगा पर डे हो रहा है काम। चलिए ठीक है, कौन भाग रहा है, ए भाग रहे हैं, ए को भगा दीजिए, 3 दिन 3 त्रिका 9, ये 9 को लाकर इसमें जोड़ देना है, तो ये 36 प्लस 9 बटे जो ये 5 दिन का काम कर रहा है उससे काम करा लीजिए, ए प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, तो 36 और 9 जोड़ते हैं कितना होता है, 36 9 जोड़ेंगे हम, इसमें हो जाएगा 45 यानी 45 और यहाँ पर 5 5 एकम 5 5 9 45, तो 9 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार को 8 दिन में और बी प्लस सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा ए और सी मिलकर इसे पूरा कितने दिन में कर पाएंगे, तो याद रखिएगा ए और पहले हम जो दिया है कंडीशन उसे बिल्कुल सेम वैसे लिखते हैं, ए और बी मिल रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन में, उसके बाद कह रहे हैं क्या बी प्लस सी मिल रहा है कितने दिन में, 12 दिन में काम कर रहे हैं, उसके बाद तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम देखिए 24 होगा, तो इसका एलसीएम देखिए 24, तो यहां पर देख लेते हैं हम 8 3 24 12 2 9 24, 6 4 24, सबका एलसीएम आ गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो है यूनिट, एक दिन का यूनिट क्या है, उसे बिल्कुल सिंपल लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का यूनिट है 4 यूनिट, बिल्कुल सिंपल वैसे लिख लेते हैं। हमें लास्ट में देखिए हमें ए और सी को मिलाकर काम पूछ रहा है, यानी ए और सी का, तो याद रखिए बी देखिए बी और सी का काम घटा दें इसमें हम तो ए का पता चल जाएगा, तो बिल्कुल वही करना है हमें, ए बराबर बी और सी को घटा देना है, यानी बी और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इसमें घटा दीजिए तो ए का आपको पता चल जाएगा कितना 2 यूनिट, ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। अब हमें सी का काम पता करना है, सी का काम हमें कैसे पता होगा, तो यहाँ ए ए प्लस बी का काम हम घटा दें, ए प्लस बी का काम इसमें हम घटा दें तो हमारा क्या पता चल जाएगा सी का काम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या सी बराबर हमें लिखना है पहले क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का पूरा वैल्यू कितना है 4 है, तो इसमें हम ए प्लस बी ये दोनों हटाएंगे, तो इन दोनों घटाने के लिए उसका यूनिट भी घटाना पड़ेगा, इसमें उसका यूनिट 3 को घटा दीजिए,
तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट। अब आपसे कह रहा है कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिन पर कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ए और सी की बात, ए कितना, दो यूनिट, प्लस सी कितना, एक यूनिट, इन दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, तीन यूनिट। अब करना कितना है टोटल, 24। तो याद रखिएगा ए प्लस सी 24 यूनिट करना है पर दिन में, कितना करते हैं पर डे, तीन यूनिट, तीन एक कम तीन, तीन अठे 24, मतलब ए प्लस सी जो है 8 दिन में इस काम को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं तो वो कैसे सॉल्व होता है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ ए तथा बी मिलकर किसी कार को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तथा ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए इसे पूरा करने के लिए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा, तो देखिए कैसे करना है, फिर वही हमको सिंपल, ए प्लस बी काम कर रहा है मेरा 12 दिन में और यहाँ पर बी प्लस सी काम कर रहा है कितना, 18 दिन में, और यहाँ पर हमें तीनों ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में मेरा काम हो रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 36 इसका एलसीएम होगा, ये देखिए, तो बाकी जो बात क्या है, 36, 18 दुना 36, 6 × 36, यानी ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कर रहे हैं यूनिट एक दिन में 6 यूनिट, यूनिट 6 यूनिट पर डे हो रहा है काम। चलिए अब कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सिर्फ ये अकेला, तो बी और सी को घटा दीजिए, तो ये बी और सी का यूनिट क्या है, 2 यूनिट, तो 6 में से 2 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 4 यूनिट करेगा, कौन, ए वाला करेगा। ए वाले को जो हम काम करा देते हैं, ए कितने दिन में करेगा, ये टोटल यूनिट करना था 36, उसमें से इसको एक दिन में कितना करना है 4, तो 36 दिन में कितना करेगा, 36 यूनिट में 4 × 9 = 36, 9 दिन में ये कार्य को कर लेगा पूरा। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको करिए। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर आता है। अब हम जो है नेक्स्ट टाइप बनाएंगे, उसमें जो है सारा जो है और क्वेश्चन लाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे और आसानी आसान मेथड से। तो प्लीज़ जैसा भी लगा हो चैनल को पर कमेंट सब्सक्राइब और जो है शेयर करिए अपने दोस्तों से। आज के लिए इतना ही।